लॉकडाउन 2.0 के तहत कुछ रियायतें दी गई हैं जो कि 20 अप्रैल 2020 से लागू होंगी। आइए उन पर चर्चा करते हैं। लॉकडाउन 2.0 के तहत ई कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ग्राहकों के ऑर्डर लेकर डिलीवरी करेगी, लेकिन उनकी गाड़ियों को प्रशासन से जरूरी इजाजत लेनी होगी। प्लम्बर तथा मैकेनिक को भी छूट दी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मोटर आईडी मैकेनिक, एसी सर्विसिंग, कारपेंटर, ये सब अपना काम शुरू कर सकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी में बाइक पर एक ही व्यक्ति जा सकता है, पीछे बैठने की इजाजत नहीं होगी। कार में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। भारी वाहनों को छूट। लोडिंग अनलोडिंग, जरूरी गैर जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों को छूट। एक ट्रक में दो ड्राइवर तथा एक हेल्पर रहेगा। ट्रक मरम्मत से जुड़ी दुकानें व ढाबे खुले रहेंगे। गोदाम करेंगे काम, मतलब कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग सेवाएं, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो और इससे जुड़ी लॉजिस्टिक सेवाएं शुरू होंगी। कंस्ट्रक्शन हो सकेगा। नगरों की सीमा से दूर कंस्ट्रक्शन, सड़क मरम्मत बनाने का काम, सिंचाई प्रोजेक्ट, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से जुड़े निर्माण कार्यों को छूट दी गई है। आईटी में 50% कर्मी ही, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों को 50% कंपनियों के साथ काम की अनुमति। सरकारी काम से जुड़े कॉल सेंटर, पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे। खेती बागवानी को राहत। कृषि बागवानी और इनसे जुड़ी मंडियां, मवेशियों के लिए चारे की दुकानें, खेती से जुड़े उपकरण और उनकी मरम्मत की दुकानें, कटाई से जुड़ी मशीनों को एक से दूसरे राज्य जाने की छूट। खाद, बीज, कीटनाशक बनाने बेचने, गाँव के उद्योग, ईंट भट्टे, मनरेगा को मंजूरी। कुछ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी और सीनियर दफ्तर आएंगे। केंद्र के विभाग और दफ्तरों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे सीनियर अफसरों की 100% मौजूदगी जरूरी होगी। डिप्टी सेक्रेटरी से नीचे के सिर्फ 33% अधिकारी और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा। सभी कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी। शिफ्ट में 1 घंटे का गैप होगा। इस गैप में वर्कप्लेस को सैनिटाइज करना होगा। लंच में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। ऑफिस लिफ्ट में एक बार में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होंगे। कुछ एरियाज के अंदर फैक्ट्रियों को भी चलाने की अनुमति दी गई है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में फैक्ट्रियों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। वर्करों को फैक्ट्री के परिसर के पास या परिसर में ही ठहराने का इंतजाम करना होगा। दवा मेडिकल उपकरण फैक्ट्री, जरूरी मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगा। मीडिया पहले की तरह काम करता रहेगा। अखबार, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डीटीएच और केबल सेवाओं को छूट। कुरियर और प्राइवेट सिक्योरिटी को भी रियायत।